अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, जी टीवी का बेहतरीन ड्रामा सीरियल एहराम जुनून के अपकमिंग एपिसोड में आप लोग देखेंगे। नादी अपनी माँ से कहती है, खावर की जॉब को लेकर बड़ा परेशान होती है और अपनी माँ से कहती है खावर की जॉब का बंदोबस्त हमें करना पड़ेगा, शानी से अब इस बारे में बात करें। इसी के साथ जवाब में नादिया की माँ नादिया से कहती है, ये तुम क्या कह रही हो, खावर क्या वापस बैरून मुल्क जाके काम नहीं करेंगे। इसी के साथ जवाब में नादी अपनी माँ से कहती है, इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है और खावर की जॉब को लेकर हमें हकीकत नहीं बताई। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे सजीरा की माँ सजीरा से कहती है, तुम्हें क्या मिला अपने हाथ से अपनी मोहब्बत को किसी और के हवाले कर कर। सजीरा कॉन्फिडेंस से अपनी माँ से कहती है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, शानी कहीं नहीं जाएगा, वो मेरा ही है और मेरा ही रहेगा, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे नादिया अपनी सास से कहती है, खावर की जॉब की बात मैंने शानी से कर ली है, शानी ने कहा है खावर उन्हें अपनी सीवी दे दे। सीवी का सुनकर खावर की माँ नादिया से कहती है, तुम कितनी बड़ी बेवकूफ है, तुम्हें अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं हुआ, खावर ने तो मैट्रिक भी पास नहीं की है और तुम ग्रेजुएशन की बात करती हो, मुझे लगा तुम्हें इस बारे में सब मालूम है। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे खावर शानजे के पास पहुंच जाता है और शानजे से स्टोर की बात करता है। जवाब में शानजे खावर से कहती है, मैंने आपके लिए स्टोर देख लिया है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और खावर भिखारियों की तरह हाथ फैलाते हुए कहता है, मेरे पास सरमाया नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकूंगा। जवाब में शानजे खावर से कहती है, मुझे अच्छे से पता है आपके पास सरमाया नहीं है, अगर आपके पास सरमाया होता तो आप यहाँ मेरे पास क्या करने के लिए आते। मेरी आपसे एक शर्त है खावर भाई, अगर नादिया को आपने खुश नहीं रखा तो इस स्टोर में आपकी कोई भी शराकत नहीं रहेगी और ये मैं आपसे वापस दोबारा छीन लूँगी। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट सेक्शन में देखिए, अपनी राय से ज़रूर आगा करें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।